गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो दो न्यूज़ हैं हमारे पास, डिस्कस करेंगे और इसी दो न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, बाकी देश देशांतर विशेष आज थोड़ा समय की कमी है, कल इन सबको पूरा हम कर लेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो हमारे पास है, दमन और दीव और दादर नगर हवेली को, ये दो केंद्रशासित प्रदेश थे, अब एक बनाया गया। पहले भी हमने डिस्कस किया था, अब इसको एक कर दिया गया है, मतलब कहने का है कि अब एक ही होगा। और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में जीएसटी वैट और एक्साइज का दो राज्यों से अलग अलग नियम, अलग अलग नाम से था, अब एक नाम से होंगे। इसके लिए जो टेक्निक्स वगैरह हैं, तकनीकी वगैरह हैं, इसको फुलफिल किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल है, यहाँ पर अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट वर्थ 5100 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम इंडिजीनियस सोर्सेज, प्रमोट इंडिजनाइजेशन के लिए, प्रमोट करने के लिए बात की गई है। हम इसकी बात तो ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल की बात करेंगे। ये डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल 2001 में स्टेबलाइज हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल आप ध्यान रखना क्या करेगा, डिफेंस सेक्टर से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी सबको, सब पे वर्क करेगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।